बेसिकली पांच ही है, लेकिन पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स, जिसके दो पार्ट से 10 मार्क्स, और चौथा क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है, तो टोटल 5 क्वेश्चन। दो क्वेश्चन सीएल वन में से हैं, दो क्वेश्चन सीएल टू में से और एक क्वेश्चन सीएल थ्री में। अगर आपको कोर्स कॉन्फ्रेंस या सीएल ज्ञान चाहिए, सीएल वन टू थ्री हमारे पास है, सिर्फ थ्योरी है या हमारे पास भी है? वो भी बताता हूँ, तीन जो मेरे का है बस दबाए तो नहीं आप। सर ये देखिए, झूठ बोल रही है। नहीं, सर ये आपके पढ़ाई के ऊपर उंगली उठा रही है। ये सर इसने तो फॉर्मूला डाल के आंसर सर। सर फार्मूला शीट मिलेगा, फार्मूला शीट मिलेगा। सारे आसान कर देता हूँ। चैप्टर नंबर टू की प्रॉब्लम 1 to 15 के में से तीन प्रॉब्लम हैं। 1 to 15 में से तीन प्रॉब्लम हैं। डन है सर। चैप्टर नंबर टू मैं तो आंसर भी याद करके तीन प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। सर एग्जैक्ट वही है या थोड़ा चेंज है? ये भी बता दो सर। सर ये बता दें, 50% मतलब वैल्यू चेंज है? हाँ ना, तू ये 8-9 के पेपर दे रहा है। पेपर इस तरह डिजाइन है कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यस सर, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट है। अल्लाह, पहले इसको डिफाइन करें। अब आप अंदाजन इस तरह ले कि हर प्रॉब्लम को आपने 20% थ्योरेटिकल फॉर्म में कंक्लूड करना है बेस्ड ऑन सम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। और जो आप 15 प्रॉब्लम अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी आपने फार्मूला अप्लाई किया, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की, बट देन यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चन व्हिच इज लाइक थ्योरी। ओके सर, ठीक है। तो 2 मार्क्स उसके होंगे हर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने सिंपल मतलब वैल्यूज दी गिवन टू फाइंड फार्मूला आंसर बात था तो फिर 80% मार्क्स मिलेंगे अगर वो सही है सब, ठीक है, क्योंकि उसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसके बेस पे ये कैलकुलेशन यूज करके आपने यू हैव टू से कंक्लूड समथिंग। सर मैं तो 15 दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कुछ बच्चे जो है उसको सही तरह शायद फॉलो नहीं करते, हमेशा न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज, स्टार्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज, बॉटम में से क्वेश्चन 2 लिख के फिर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आपने एक पेज के ऊपर 2-3 लाइन्स लिखी हुई है पेशेंट बाकी खाली छोड़ दें, ठीक हो गया सर। यूनिवर्सिटी रहती हम तो देते हैं। और जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो स्लाइड्स सारे अपलोडेड हैं। मिड के बाद जब हम हमारे एम 1, 2, 3, 4 आफ्टर मिड में लिखता हूँ ना उसमें स्लाइड में लेक्चर नंबर के साथ, तो एम 1, 2, 3, 4 वो अपलोडेड है। स्लाइड्स आपने देखने हैं क्योंकि बुक के हिसाब से कंटेंट्स काफी स्कैटर्ड है। यू नो द मीनिंग ऑफ स्कैटर्ड? यस सर। हेलो, तो वो जब आप स्लाइड्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि चैप्टर कौन सा है, ठीक है। वैसे तो मेनली चैप्टर नंबर 2 ही कोर्स कंटेंट्स है मेनली। अगर आप 30% सॉरी 30 मार्क्स का पेपर मैंने चैप्टर 2 में से दिया है, मैं सर 30 चाहिए एक के लिए। हां, लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि हमारा चैप्टर 1 भी है। मैंने हमारा क्लास का भी है यहां से कोर्स कंटेंट्स दिखाई दे क्या तुम्हारे 50 नंबर इज एन 46 पार्ट्स, ठीक
लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया दिया है किसी भी प्रोसेसिंग कंपोनेंट या ब्लॉक डायग्राम में जितनी भी ब्लॉक्स थे सो मेनली चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद तो आप यूं निकले मोटर वेब पे चलो इस तरह के आप खुश हो जाएंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेकिन पार्ट 1 के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स हैं 5, 6, 7, 9, 10, 11 चैप्टर नंबर्स दीज आर नॉट नंबरिंग सर तो बस हम स्लाइड पे कर ले तो पेपर हो जाएगा ना मुझे नहीं पता सर आपने पेपर एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए अच्छा सर थ्योरेटिकल पार्ट का टॉपिक के हिसाब से बनाया है कि ये टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट है अब वो स्लाइड में है या नहीं इतना कौन देखता है कि स्लाइड में वो है या नहीं था उसमें तो हो गया ही होगा तो आप लोग सिर्फ स्लाइड पे रिलाई करेंगे तो जाहिर बात है फिर तो यू विल मिस समथिंग मैंने इसलिए कहा कि आप स्लाइड में सिर्फ कॉन्टेंट देखें टॉपिक है वो नहीं बता सकते CLO 1 जो है आपका explain the fundamental concepts of radar systems, radar situation and other important parameters. So you have to explain और चीजें होगी in terms of fundamentals, यानी parameters जितनी भी हैं, साफ साफ important parameters अलग लिखे हुए हैं. Parameters आपको पता है, gain या जिस तरह उस दिन सारा वाइवा पैरामीटर्स मैसेज था ड्यूटी साइकिल किसी को कुछ आईडिया ही नहीं है इतना आसान क्वेश्चन किसी को कुछ आईडिया ही नहीं है सारे ठीक है एक और क्या मैं उससे पहले क्वेश्चन पूछता था जिरजन से निकल गया स्टार्ट में जो स्टूडेंट्स आए थे जिनसे एनपी नंबर ऑफ पल्स एनपी नंबर ऑफ पल्स बाय 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 ड्यूटी साइकिल नहीं उससे पहले अच्छा उसके बाद बात वो बात का बस हुआ था बताओ ना बी लेकिन वो तो उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा बट एनीहाउ आरसीएस सर बस वही पूछ आरसीएस के भी स्टूडेंट से पूछा था बहरहाल एनीहाउ छोड़ो उसको फंडामेंटल पैरामीटर्स या कांसेप्ट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको ठीक है उसके दो क्वेश्चंस हैं दोनों सर थ्योरेटिकल हैं एक्सप्लेनेशन आप थ्योरेटिकल ही लेकिन इसमें भी मिड के बीच दो क्वेश्चंस होते हैं ना ये बेसिकली इसी तरह ही है
ठीक है, फिर उसके बाद एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रडार सिस्टम फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इट्स एप्रोप्रिएटनेस फॉर अ गिवन सिनेरियो। अब ये जो गिवन सिनेरियो है ना, ये मैंने न्यूमेरिकल में से आप क्वेश्चंस में देखेंगे 15 फर्स्ट 15, तो वो आपको आइडिया होगा कि गिवन सिनेरियो मींस कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, पैरामीटर्स यानी रेंज इतनी है, टारगेट छोटा है बड़ा है, पावर इतनी वगैरह, पावर इतनी है वगैरह वगैरह, तो उस पे जो आप एनालाइज, तो एनालाइज भी मींस कंपेयर समथिंग सम वन इक्वेशन विद अनदर वन पैरामीटर विद अनदर पैरामीटर, कुछ है ग्राफ भी बनाने पड़े, ठीक है। और थर्ड वन लास्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जिस पे है डिजाइन ऑफ रडार सिस्टम फॉर अ गिवन रिक्वायरमेंट, तो इस पे भी रिक्वायरमेंट गिवन है, शायद आपको डिजाइन भी नहीं करना पड़ रहा है, बट यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन एंड देन कंपेयर दोस सिस्टम्स, क्योंकि अगर मैं डिजाइन का वैसे कहता हूं तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिनेरियो गिवन सिनेरियो से मुराद ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है, या रिक्वायरमेंट गिवन है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ रडार सिस्टम, तो रडार सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स गिवन होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स गिवन होंगे, कुछ आपको कैलकुलेट करने होंगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स आप करेंगे ना, इसमें सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, यूज इक्वेशन 2.8, यूज इक्वेशन 2.10, तो मतलब हमें आप एक दफा प्रैक्टिस करनी है, और ये पर मैं 2.10 ये वही रडार है, सही देनी है, यही पे वही प्रॉब्लम है ना, पेपर में यही प्रॉब्लम है, पेपर में अगर इसी तरह के प्रॉब्लम्स है तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, किसी की इक्वेशन गिवन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यूज इक्वेशन 2.8, तो आप वो इक्वेशन 2.8 पे जाएंगे। अगर आपको इस तरह ये जो सीएलओज है ना, अ गिवन सिनेरियो या फॉर अ गिवन रिक्वायरमेंट, ये चीज जो है आपको मैं क्लियर कर रहा था, गिवन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने एक सिस्टम रडार सिस्टम डिजाइन करना है, इट मींस कि आपके पास हो सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस हो, और आप जो है उनको एक्सप्लॉइट करके कोई एक पैरामीटर डिसाइड करो कि पावर ट्रांसमिटिंग पावर या रिसीव पावर शुड मिनिमम बी लाइक दैट। यस, ओके, सही है। चैप्टर वाइज नहीं है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये बेसिकली कम्प्लेक्सिटी लेवल वाइज है। तो कौन से चैप्टर में नया वो जाते हैं हमारे सर ने बता दिया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने चैप्टर्स आते हैं वो सारे, और उसमें कोई 7 चैप्टर्स हां वो सारे आ रहे सारे उन्होंने ये कहा उसमें टॉपिक्स लिखे हुए ना, तो वो टॉपिक्स कितने आसानी से बोल रहे हो, सारे कर लो 7 चैप्टर, वो कर सर पार्ट 1 है चैप्टर आप भूल जाए ना थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाता है, पार्ट पढ़ना तो वही है, पढ़ने तो चैप्टर ही है बिना पार्ट 1 नहीं ना, फिर टॉपिक लिखे ना, बस वही टॉपिक्स पढ़ यही बात अभी मैं कर रहा था, तो आप लोग जो है चले गए पार्ट 1 3 चैप्टर है सर, मेन तो 3 ही चैप्टर है ना, 1 2 3
मेन चैप्टर नंबर टू है, मेन चैप्टर नंबर टू है, जिससे फिर पास होने का चैप्टर टू की तैयारी, जिससे फिर पास होने का उससे प्रॉब्लम 1 टू 15 कर लें, लेकिन उसमें बारे में रिस्क बहुत है सर। एक प्रॉब्लम कौन से बाद कितने बजे है कि प्रॉब्लम अगर आपका गलत हो गया तो आप में सर एक प्रॉब्लम कितने नंबर जो थ्योरेटिकल होते हैं ना वो उसमें बंदा तो थोड़ा कुछ लिख के फिर दूसरी बात पेपर लेंथी नहीं है इसलिए क्वेश्चन को आपने 10 दफा पढ़ना है लेकिन गलत उसको सर आपके अंदर मिड की तरह वाला क्वेश्चन लिखा हुआ तो समझ ही नहीं आता वो तो कौन सा वाला मिड में आपने इतना कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन इसीलिए दोबारा बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को 10 दफा पढ़ना है 10 दफा ना पढ़ो चलो 2-3 दफा तो कम से कम पढ़ लिया अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कुछ और होता है आप लोग कुछ और समझ के शुरू हो जाते हो पेपर अगर लेंथी हो तो फिर मेक सेंस लेकिन पेपर इज नॉट लेंथी ठीक है 2.5 घंटे बहुत ज्यादा है आप आराम आराम से क्वेश्चन करें तो सर वो शेयर करते हैं आप देखिए तो नहीं लगती है अच्छा हां लास्ट पॉइंट What am I expecting in a question, in an ideal answer? वो ये है कि आपने theory भी लिखी हो, numericals यानी equations या कुछ इस तरह parameters के in terms of mathematical form explanation भी हो, और साथ में अगर कोई graph बनता है, so diagram भी हो. और दूसरा कोई ग्राफ ना हो कि व्हाट इज जेनेरिक फॉर्म ऑफ एसएनआर कोई भी डायग्राम आप बना लो लेकिन वो थोड़ा सा पता चल जाता है अच्छा अगर बहुत ज़्यादा लेंथी कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो फिर पैराग्राफ स्टाइल रिमेंबर दैट हेडिंग्स के साथ क्योंकि ये टेक्निकल राइटिंग का पहला उसूल है जो आपने वो आप लोगों को इंग्लिश लिखना ही नहीं आता ना तो पहले वो पढ़ाना चाहिए बिजनेस इंग्लिश वो पहला है जो फंडामेंटल फर्क है वो पढ़िए आप लोगों ने इंग्लिश का कोई कोर्स पढ़ा है एक पढ़ा था बस है नहीं फर्स्ट फंडामेंटल फर्स्ट इंग्लिश उसमें ये चीजें भी नहीं पढ़ी क्या अब से वो पहला सेमेस्टर था पहला सेमेस्टर था वो मैडम सादिया ने हमारे बच्चे ट्रेन कैसे होते हैं स्कूल में 10 साल में टीचर्स जो स्कूल टीचर्स है जो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो आते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखते जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप लोगों ने ना अभी मैं थोड़ी सी एक्टिंग करने लगा हूँ लेकिन आप लोगों ने हंसना ज़्यादा नहीं है कि आपने इसको कट का भी पेस्ट करना है यानी प्रैक्टिस करना डायरेक्ट लिखना है तो बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही यस सर उस तरह वो आदी हो जाते हैं अब जब आप मेरे पेपर को अटेम्प्ट करके कुछ लिखेंगे ना तो आपकी वही आदत होती है जल्दी लिखना है और सोचे बगैर सोचे समझे बगैर सो सोच के अगर आप कोई प्लान के मुताबिक चीज़ लिखते हैं तो वो डिफरेंट होती है लेकिन जो कि आपके बचपन से वही प्रैक्टिस है ठीक है जो कि बहुत टाइम है सब हद करना गलत है यही तो फर्क है ओ लेवल और मैट्रिक सिस्टम में कि वो आपको सोचने को मजबूर करते हैं यहाँ पर वो आपको ट्रेन करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई डोंट नो तो वो होमवर्क भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा दो पेजेस लेवल पे आप अगर मैं ज़्यादा देता हूँ तो आप लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लेकिन अगर स्कूल लेवल पे हो तो स्कूल लेवल पे मेरे ख्याल में इतने ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे छोटे एनी हाउ हाँ जी क्या पूछ रहे थे पूछा कुछ नहीं
ठीक है जी, ये हो गया। अभी रिटर्न दबा देते हैं। अब बस पता चल गया कंटेंट्स भी हमारे तकरीबन मोर ऑन सारे कवर्ड है। सर कुछ तो इम्पोर्टेंट बताएं सर, हमारी तो क्लास कुछ तो बताएं सर, आखिरी जीरो थ्री का सर टॉपिक इम्पोर्टेंट इस तरह नहीं। सर दो तीन बता दो। हाँ सर चलो दो तीन बता दे, वो फिर आप असल में तीन बता सर बेस्ट ऑफ थ्री। हाँ हाँ हम कर लेंगे, बोलो कर ऐसे हो जो 20 नंबर वाला आपने क्वेश्चन बताया ना वो पूरा बता दो, पूरा बता दो, बाकी हम खुद कर लेंगे। हाँ सर बस कर दी, डन हो गई वेरी वेरी सर बता दी ना। अच्छा आप लोग बताएं अगर वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो तो क्या क्या होंगे? रडार ब्लॉक डायग्राम वो तो पहले आ चुकी है, वो तो दोबारा नहीं आएगी ना सर, क्योंकि सर रेंज इक्वेशन की डेरिवेशन जरूरत तो नहीं है। आ सकती है वैसे, मुझे लगता है वो नहीं आएगी। नहीं जरूरत तो नहीं है, किसने कहा आपको? हो सकता है सर सही याद हो जाए, टीचर जो है उसके पास टाइम कम हो, कहीं यार नया क्वेश्चन कौन बनाए वही वाला। सर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, कहां भी पता है सर आपने वो नहीं दिया। रात में बैठे हुए आप तो तंग नहीं करते? एक स्टूडेंट थी, उसने ना बीए का एग्जाम देना था, इंग्लिश का पेपर कंपार्टमेंट आया था वो उसको लाइक 10 साल पहले की बात है। तो 5 दिनों की तैयारी में ना उनको पेपर्स कराए, पुराने पेपर लोग कराते हैं लेकिन इतना भी टाइम नहीं था, तो आ जाते पेपर कराए ठीक है। एनुअल एग्जाम का पूरा पेपर A to Z एग्जैक्टली हु बहू वही पेपर जो है ना सप्लीमेंट्री एग्जाम में है, जी इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम के अलावा कौन सा इम्पोर्टेंट है? सर वो सर वो स्टैंडर्ड्स देख के बनाना, स्टैंडर्ड्स देख के बनाना स्टैंडर्ड्स होते हैं IEEE नहीं यार ना सर सर डार्क लॉसेस सिंपल आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देने की फ्रीक्वेंसी की सर सर डार्क लॉसेस देने की जरूरत नहीं है सर। स्केटर स्केटरिंग यस सर वॉल्यूम स्केटर सर फिनोमेनास सर डार्क लॉसेस जो आपने तीन क्वेश्चन फिनोमेनास आप ये बात कर रहे हो सर लॉसेस भी है क्योंकि उसमें सिर्फ स्केटरिंग नहीं है ना रिफ्लेक्शन भी है उसमें डिफ्रेक्शन लॉसेस भी है losses important बहुत important। पहली बात तो ये है कि रडार रेंज इक्वेशन और रडार प्लग डायग्राम में जो चीजें हैं वो तो फंडामेंटल है सर, वो है दे आर इंपॉर्टेंट। रीजन 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 कौन सा रीजन सर? वो प्राइमरी ऑप्टिकल रीजन और ये ही है इंपॉर्टेंट सर। ये था सिंपल जो क्वेश्चन में आया था सर, सही इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट है सर, पता नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट वो आपके मतलब दो हो गया सर। ये थर्ड चैप्टर से वही पार्ट 1 पार्ट 2 में टॉपिक है ना सर? थर्ड चैप्टर में पार्ट 1 का हिस्सा है। अच्छा पार्ट 1 सर थर्ड चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है ना जो क्योंकि सर ने उस पे हाथ रिएक्शन दिया ही नहीं लिंक इक्वेशन
इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट फिर भी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए. असल में इसको रिप्लेस किया है रडार सिस्टम्स में, रडार रेंज इक्वेशन में. कम्युनिकेशन सिस्टम में यही वन वैल्यू इक्वेशन होता है. ठीक है, सो अगर आप उस तरफ लेके जाएंगे तो फिर मेरा पेपर कम्युनिकेशन सिस्टम का पेपर होगा. इसीलिए फिर कर दो रडार रेंज इक्वेशन इन जनरल इज कॉल्ड वन वैल्यू इक्वेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम. सिंस रडार इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, सो लेकिन अगर आपको इसको भी पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ. अच्छा एक चीज और, डीबी और जो जो लीनियर स्केल, इसमें मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था, रीजन भी बताई थी कि वाई डीबी इज प्रेफर्ड. ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में अगर किसी ने जरा बराबर भी इसमें गलती की, एक पैरामीटर डीबी में है मदर सवाल आ गया और लीनियर में आपने करना है और आप जो है आपको कोई आइडिया नहीं है, या अगर रिक्वायर्ड है कि डू इट योर आंसर मस्ट बी इन डीबी और आपने फिर भी जो है ना वो सारा आंसर उसी तरह लीनियर में निकाल लिया तो फिर उस पे हैवी पनिश होगी. ठीक है, तो इस चीज को एक दफा फिर से देख लीजिएगा कि फंडामेंटली डीबी को लीनियर में कन्वर्ट करना, लीनियर को डीबी में कन्वर्ट करना, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए. सर अब चैप्टर 3 में से इंपॉर्टेंट बता दें. चैप्टर 7 सर जो आ रही है सफर करेंगे इनको पूछ ले बताएं इंपॉर्टेंट पूछिए सर. डुप्लेक्सर बोले डुप्लेक्सर इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स. ये सिर्फ ये है कि वो टू स्विच है कार्ड कार्ड क्रॉस मास कम है मैंने भी 190 लिखा हुआ क्रॉस मास. हां नॉट इंपॉर्टेंट ये है चैप्टर ऑफ लाइफ सर. क्लटर एज अ टारगेट फिर करें या ना करें, क्लटर तो इंपॉर्टेंट है ना आरसीएस रियल टाइम. ये मैं ऊपर से कर रहा हूं इधर से आईडिया नहीं है सर. ये सॉल्व भी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में मैंने सॉल्व कर दिया. दिस इज सर जो टॉपिक जो टॉपिक से बोले सर पोलराइजेशन एंटीना आपको आईडिया तो है वैसे असल में एंटेना की तरफ आपको ज्यादा नहीं देखेंगे सर. मिनिमम डिटेक्शन रेंज पे चलते हैं नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म नॉट इट्स नॉट इट्स सर. ये मिनिमम डिटेक्शन रेंज वाले ग्राफ वगैरह ये तो आएंगे ना. हां सर कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म के बोला मतलब भी आ रहे सर हमारा कोई गेस गलत हुआ ना तो पेपर में मैंने छोड़ के पकड़ लेना सबसे पता चल रहा है. सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसएनआर एसआईआर एससीआर सर सर पूरे नोट्स खोल के रखे कि पेज पे से पूछे जा रहे हैं तो सर पल्स कंप्रेशन कर आप बोलो क्या ये आप दे देते हैं ना चार चीज कोई तो दो चीजें तो है डॉक्टर सर्च मोड फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है और ओवरव्यू ऑफ डिटेक्शन फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है. बाकी तीन आप छोड़ सकते हैं चार नहीं बाकी सर बाकी तीन हम कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट नहीं था. और सर रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वही मैं कह रहा हूं वो आप छोड़ सकते हैं. ठीक है इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 सर ये पल्स कंप्रेशन वगैरह इन फैक्ट दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 अब आप जरूर पढ़िए. ओके चैप्टर फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 कितने मार्क्स हैं एंड देयर आर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सर. चैप्टर नंबर 3 से सेक्शन नंबर वो वाला स्टेटमेंट बताइए सर. ये 3.2 3.3 है सर. 3.1 इंट्रोडक्शन है ना वो तो साइड पे 3.2 या 3.3 में से सर. चलिए अभी मैं बता दूं चैप्टर 3 में से एक क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में से 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बाकी में से बस. बाकी चैप्टर 1 में से नहीं 1 नहीं है 4 5 6 7 उनमें से एक चाहिए क्वेश्चन 4 5 6 7 में से एक क्वेश्चन है. वो सही है सर. ये सर वो एक क्वेश्चन के लिए हम चार चैप्टर करेंगे सर. ये जो पांच कंप्रेशन वगैरह ये इससे पास होने का चैप्टर नंबर 2 है नॉट इंपॉर्टेंट किसके का सर. ये अभी बेसिक क्वेश्चन है नहीं ये किधर में से पता नहीं सर. ये सेकंड में से है शायद मतलब पॉइंट कर दिया.
सर 2 एंड 3 कर लो 40 नंबर ओके इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सर 2 एंड 3 कर लो सर जो सर्च मोड फंडामेंटल था वो कौन से बनते हैं हमारे पास जो आपने पढ़ाए थे ये बेसिकली रडार ट्रैक इक्वेशन एंड रडार सर्च इक्वेशन ये वो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है लेकिन इसमें बारे में अच्छा ये जो डिटेक्शन फंडामेंटल है ना इसमें वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म वो वाली चीजें याद आ गई हां हां ठीक है और सर्च मोड फंडामेंटल है रडार ट्रैक इक्वेशन और रडार सर्च इक्वेशन तो ट्रैक इक्वेशन शायद पहले वाले में है इसमें सर ये आपने दोनों सर वो ट्रैक फॉर्म ऑफ रडार इंडिकेशन सर्वेलेंस का जो एक टॉपिक था उसमें आपने दोनों बता दिए थे यहाँ पर थोड़ा सा ना आप देख लीजिएगा ये चैप्टर 2 का भी मैं इसको चैप्टर 2 भी कह सकता हूँ ना क्योंकि रडार क्रॉस सेक्शन आपको चैप्टर 2 में भी मिलता है बेसिक्स हमने यहाँ पर थोड़े से आप इस चीज को समझ जाए अच्छी तरीके से कि ये जो बाकी चैप्टर्स है ये उन्हीं के एक्सटेंशन है मतलब सर ये भी करने पड़ेंगे देखो ना जो चीजें पहले पढ़ी दोबारा मत करो ना बाकी स्लाइड्स तो कम से कम पढ़े ना स्लाइड्स में स्लाइड्स में जैसी चीजें हैं मैंने आपका पेपर कैसे आसान किया देखो अगर मैं पेपर में एंटेना का पार्ट देता तो आप लोग पास जाते दूसरा मैं अगर पेपर में प्रोपगेशन इफेक्ट देता प्रोपगेशन पार्ट ठीक है एनवायरमेंटल प्रोपगेशन पार्ट तो पेपर और भी मुश्किल हो जाता ये दो बड़े पार्ट्स थे जो मैंने इसको पेपर में नहीं दिए जो बाकी बचे सारा पेपर में रडार सिस्टम्स का हो गया लेकिन हमने लेक्चर में इन चीजें अच्छे डिटेल में पढ़ी है प्रोपगेशन इफेक्ट्स हमने अच्छे डिटेल में पढ़ी है और एंटेना के लिए हमने दो तीन चार लेक्चर्स पढ़े सो आपको अब बेसिकली वो चैप्टर 2 पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात बताइए कि 15 न्यूमेरिकल में से तो 3 न्यूमेरिकल आपके हो जाते हैं सो दैट आर एंड चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो गया जिसने क्लास अटेंड किया वो मेडिकल तो नहीं है ना वो मेडिकल तो नहीं है जो आप ये रडार क्रॉस सेक्शन और ये टारगेट फ्लक्चुएशंस ये सारी चीजें जो है ना ये सर ये जो 10 नंबर का आपने आखिरी कहा है 4 5 6 7 ये थ्योरी है मेडिकल मेडिकल सिर्फ चैप्टर सिर्फ थ्योरी है इसमें से है ना मेडिकल से क्या कुछ है बस सही है सर वही जो पहले पता है क्वेश्चन है समझ गए सर उसी तरह के वो नहीं आ सकते अब सर रटे क्या बता वही हूं कौन से वाले पहले 15 पहले 15 में से चले बोले 3 कोई भी आज 50% उस जैसे 50% चेंज मतलब फार्मूले तो वही इस्तेमाल हो रहे हैं फार्मूले आपने याद करने हैं बार मैंने फार्मूला शीट कोई नहीं दिया लेकिन फार्मूले वही है फार्मूले वही लग रहे हैं आपने याद करने फार्मूले वही गलत तो सारा क्वेश्चन गलत सही तो गलत बात है सर सर फार्मूले वही लग रहे हैं क्वेश्चन में ये फार्मूले तो सर आपने फार्मूले दिए थे फार्मूले आप चैप्टर 2 के चैप्टर 3 के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे याद कर लें रटने फार्मूला शीट बना दें सर वो डेरिवेशन साल है जाना नहीं सर आके आपको देते हैं प्रिंट करके हर पेपर के साथ नहीं नहीं एक फार्मूला नहीं है तो ये तो फिर वो गलत बात हो क्यों गलत बात कुछ याद करना है ना फार्मूले आपका थ्योरी याद करने एक सवाल नहीं नहीं सर डेरिवेशंस तो नहीं आ रहे वो जो हमने रडार के जो इतने बड़े डेरिवेशंस रडार एज इक्वेशन के लिए डुअल टर्म नहीं डेरिवेशन कोई नहीं क्लोज कर उसके सर उनके फार्मूले फार्मूले है लेकिन डेरिवेशन नहीं है ना numerical or derivation is isko nahi bolte that was just explanation of donnie parameter kyu aaya hai radar equation mein ke dual time sir aap ye to nahi puchhega na noise figure kaise sir aap ye to nahi puchhega na paper mein ki kyu aaya
नहीं मैंने तो जो आपने बताया ना कि जो बस कर दो सर ने ऑलरेडी इतना सब कुछ बता दिया एक्सप्लेन तो वो एक्सप्लेनेशन आपने उस हिसाब से डिस्क्राइब एक्सप्लेन ये टर्म्स है क्वेश्चन पूछते हो फिर खामोश हो जाते हैं और बातों में लग जाते हैं समझ आए आपने क्या क्वेश्चन पूछा सही सर सर आपने बोला कि एक ही जो वर्ड है सर आपने बोले जो एक्सप्लेन एंड जो डिजाइन का वर्ड है हां आपने क्वेश्चन क्या पूछा तो बस एक दुनिया है वैसे आप जो बता रहे थे वो बता दें पूरा कंप्लीट कर दें मैंने तो बता दिया उसको उसके पास उन्होंने बस ये कहा कि एक्सप्लेन एंड एनालाइज डिजाइन इसको देख के मेरे पेपर में इसको देख के सुनने को नया मतलब इस तरह की क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड हां वो ये पूछ रहा था असल में मैं याद दिलाता हूं वो ही बस पूछ रहा था कि आपका क्वेश्चन कैसे होगा व्हाट व्हाई हाउ जिस तरह ये वो इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम हाउ इट इज अकरिंग ठीक है इस तरह यस सर तो ये क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस कीवर्ड क्या होगा क्वेश्चन का आप ये तो नहीं पूछेंगे कि हाउ इट इज या एनालाइज तो मैं ये पूछूंगा एक्सप्लेन एनालाइज कंपेयर डिजाइन फाइंड सेलेक्ट ये हमारे कीवर्ड होंगे इंशाल्लाह एनालाइज सर डायग्राम वगैरह भी ठीक है जी बस एक विषय रहा तो मैंने कहते हैं अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो उसको एक्सप्लेन कर देना हाँ हाँ अच्छा ना स्लाइड में से अगर कुछ रिपीट करवाना चाहते हैं या अगली क्लास के लिए भी कुछ इसी तरह ही जरा प्रिपेयर हो सर एक क्वेश्चन जो पेपर में आया है वो रिपीट करते सर जब हम पैरामीटर्स पढ़ रहे थे ना तो उसमें जो टारगेट आरसीएस था वो आपने बताया था कि दी वंस व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल ना लेकिन सर उसी पिछले स्लाइड में जब हमने रडार के पूरा वो चीजें खोली थी तो उसमें सिर्फ यही एक ग्रीन हुआ तो उसमें लिखा हुआ था कि हम ये कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में बताया था कि अगर आप डिफेंस में अपने कंट्री के डिफेंस में नहीं है लेकिन दूसरी कंट्री में जाके ऐसा उसको क्या बोलते हैं स्टेल्थ स्टेल्थ रडार हो ठीक है yes, sir. तो बेसिकली अमेरिका का एक बंदा यहाँ पर अपने आप को दुश्मन से छुपाना चाह रहा है स्टेल्थ तो उस केस में तो आपको पता है ना कि व्हाट शुड बी माय मिनिमम साइज अब मैं क्या बोइंग तो खैर छोटे जहाज होते हैं फिर भी लेकिन मैं एयरप्लेन लेके कहीं पे रडार के उसमें किसी दूसरी कंट्री में घुसूंगा तो उनको तो आराम से नजर आएगा तो उस केस में आपने अपना साइज जो कि आपको पता है किसी खास मिनिमम लेवल पे रख के उसमें लिखा हुआ भी है तो उस केस उस तरह हम एनालिसिस कर रहे हैं समझ आई नहीं है ठीक हो गया सर सर एक और चीज़ आपने बताया था जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना अगर हमारे पास टारगेट बड़ा होगा तो हम कम फ्रीक्वेंसी देंगे अच्छा ये भी मैंने साथ में बताया था कि फ्रीक्वेंसी तो चेंजिंग और कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ होती है यानी पहले एफ इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज के अपने सिग्नल से हम किया फिर 2, 3, 4 तो एक तो वो हम करते हैं कि लेट्स सपोज आपने 10 तरह किसी टारगेट को स्कैन करना है तो वो तो आप फ्रिक्वेंसी वेरी करके कर रहे हैं लेकिन आपने किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर फिर यानी एक पल्स के हम सब अगर बात कर रहे हैं तो उस केस में फिर आप ये बात करेंगे कि कब फ्रिक्वेंसी कम और कब ज़्यादा है ठीक है तो अब आप को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे तो हमारा जो है ना वो सक्सेसफुली टारगेट हिट हो जाएगा ये स्ट्रेट वो क्या बोलते हैं उसको लीनियर रिलेशनशिप नहीं है इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर रिलेशनशिप कि सिर्फ फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे
तो बस ठीक है। तो ये ऐसा कि जो मस्जिद में माइक्रोफोन लगा होता है ना, वो कहेंगे कि चलो एम्पलीफाई कर देते हैं, तो अगर वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप में जितना एम्पलीफाई करेगा उतना स्पीकर की आवाज़ बढ़ती जाएगी, लेकिन बाद में ना एक लेवल पे वो जो नॉइज़ हैवी हो जाता है और आवाज़ ही ख़त्म हो जाती है, इस तरह की वो नॉइज़ आना शुरू हो जाता है। ये सिंपल लीनियर रिलेशनशिप नहीं है कि आप सिर्फ फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि देयर आर अदर पैरामीटर्स जो किसी टाइम पे डोमिनेट कर जाते हैं और आपको फ्रिक्वेंसी कम कर दी। सर नैरो बीम तब होता है जब हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, हाँ, वो नैरो बीम होता है, वो तो नैरो बीम होता है, लेकिन सर नैरो बीम में डिटेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद नैरो बीम या वाइडर बीम जो है एंटीना की डिजाइन के ऊपर, अगर आप फ्रीक्वेंसी एक रखिए तो एक एंटीना नैरो बीम बनाएगा, दूसरा एंटीना उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइडर बीम भी दे सकता है, तो वो पैरामीटर्स। अब अगर हम फिर उसको अलग कर दें कि हम एंटीना के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही एंटीना है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नैरो हो जाएगा या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा अप टू सर्टन लिमिट, ठीक है, और जब उसको फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो वाइडर हो जाएगा। सर किस स्टेट पे था वेफर? वेफर किस स्टेट? वेफर 16 पे, हां 16। सर एक बार कंफर्म कर लें, वो मैं बता दूं सर आपको डेट शीट पड़ी, हां मैं आपको डेट शीट पूरी नहीं है सिर्फ मेरे पेपर पे, अभी तक नहीं आया, हमें दे नहीं रहे तो नहीं आया।